ओके स्टूडेंट्स, सो लास्ट टाइम हम लोग डेंसिटी ऑफ स्टेट्स पे काम कर रहे थे. उसका एक प्रॉब्लम हम लोगों ने किया था, 1D केस और 2D केस. तो 1D केस में क्या किया था हम लोगों ने, एक सिस्टम था, यहाँ पे वॉल्स बना दिए थे, ठीक है, और ब्लॉक ऑफ मास m, ब्लॉक भी मैं क्यूब नहीं बना रहा, ओके, ब्लॉक ऑफ मास m जो इधर से टकरा के इधर उधर बाउंस होता है एक्सेट्रा, ठीक है. और फिर हम लोगों ने यही काम किया था 2D में. 2D में एक आर्बिट्री शेप का जिसका एरिया पता है हमको a, उसमें एक ब्लॉक ऑफ मास m विथ एनर्जी अगर e होती इसकी. तो फिर हम लोगों ने फेस स्पेस वगैरह बनाया, बोला इसके कितने कोऑर्डिनेट्स होंगे, तो बोला कि भाई इसके x, y और मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स, मोमेंटम कंपोनेंट्स होंगे px, py होंगे, ठीक है, ऐसा कुछ बात की थी हम लोगों ने. और ऐसा बात करते हुए हम लोगों ने ओमेगा 0 to e और डेंसिटी ऑफ स्टेट्स 2D केस और 1D केस में निकाल रखा था, ठीक है. सो अब क्या करना है आपको, अब यही 2D केस है. 2D केस यहाँ पे नॉन रिलेटिविस्टिक रेगुलर पार्टिकल था. अब इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी है, हाईली रिलेटिविस्टिक पार्टिकल है, हाईली रिलेटिविस्टिक पार्टिकल है. तो क्या डिफरेंस आएगा रेगुलर केस में और हाईली रिलेटिविस्टिक पार्टिकल में, या अच्छा चलो यहाँ पे कैसे सॉल्व किया था नॉन रिलेटिविस्टिक जो रेगुलर था सिचुएशन, उसमें पिछले बार सॉल्व किया था. अच्छा, एसेंशियली हम लोगों ने सबसे पहले तो ये किया था, इंटीग्रल dx dy dpx dpy अपॉन 2D है तो h स्क्वायर, वो सब चीज़ें हम लोग नहीं लिखते फिलहाल, ठीक है, इस तरह से कुछ किया था. फिर इसको dx dy अलग, dpx dpy अलग, क्यों अलग कर पाए थे हम लोग, dx dy और dpx dpy दोनों इंटीग्रल्स को अलग कर दिया था हम लोगों ने. मोमेंटम और पोजीशन आपस में इंडिपेंडेंट थे, ऐसा कुछ बात की थी हम लोगों ने, क्यों थे, किसी के किस केस में नहीं रहते, ऐसा कुछ भी बात हम लोगों ने की थी, ठीक है. तो वैसा करते हुए आप लोगों ने सॉल्व किया था, और ठीक है. और इसके अलावा क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ी थी, जब हम लोग dx dy की बात करते हैं इंटीग्रेट करते समय, तो हमने इसको कह दिया था सिंपल इस पूरे रीजन का एरिया. dpx dpy को इंटीग्रेट करते समय हम लोगों ने कुछ मोमेंटम स्पेस में एरिया टाइप का बनाया था, सर्कल टाइप का बना था, ठीक है, उसका एरिया लिख दिया था. तो यहाँ पे भी कुछ वैसा करना पड़ेगा एटसेट्रा एटसेट्रा. ये केस जो है हाईली रिलेटिविस्टिक पार्टिकल है. हाईली रिलेटिविस्टिक पार्टिकल का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जो PC है वो मच ग्रेटर देन m0c² के बराबर है, ठीक है. इससे क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आप लोग ट्राई करो क्या करना पड़ता है उसमें और इसमें क्या फ़र्क हो जाएगा. मोस्ट चीज़ तो सेम है, बस कुछ डिफरेंस हो सकता है, तो आप लोग फिगर आउट करो, सॉल्व करने की कोशिश करो. हाँ ओके, सो पिछले बार हम लोगों ने क्या कहा था, हम लोगों ने कहा था कि भाई ये सब चीज़ें सिंपल है, इंटीग्रल dx dy की जब हम बात करेंगे तो वो सिंपली हो जाएगा एरिया के बराबर, ठीक है. और इंटीग्रल dpx dpy की जब हम बात कर रहे थे तो हम लोगों ने बोला px py के बीच में ग्राफ बना लो, या px py के बीच में कुछ रिलेशन पता हो तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है. px py के बीच में रिलेशन कहाँ से आया था, एनर्जी से आया था. हम लोगों ने क्या बोला था, हमको पता है कि भाई 2me equals to px square plus py square, ठीक है. ये कहाँ से आया था, ये होता ही है भाई, काइनेटिक एनर्जी दोनों का ऐड कर, मतलब काइनेटिक एनर्जी टोटल जो है ई के बराबर है, मतलब क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी वाला सिस्टम यहाँ पे है ही नहीं, खाली काइनेटिक एनर्जी है. काइनेटिक एनर्जी px स्क्वायर प्लस py स्क्वायर बाई 2m, 2m उधर ले गए, बस इसके बराबर हो गया, ठीक है. रिलेटिविस्टिक में क्या ये रिलेशन वैलिड होता है, भूल गए, पढ़ाया था इतनी मेहनत से, है ना, ठीक है. तो वहाँ पे क्या रिलेशन होता है, वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो होता है, के ई की बात करें अगर, तो एक रिलेशन हमको चलो ई का लिख देता हूँ, काइनेटिक एनर्जी, फिलहाल काइनेटिक एनर्जी होता है रूट ऑफ p²c² माइनस m0 प्लस m0² c^4 माइनस m0c², ये काइनेटिक एनर्जी होता है, ठीक है. हम लोगों ने क्या बोला है, हम लोगों ने बोला है कि भाई PC जो है काफ़ी बड़ा है कंपेयर टू m0c², तो इसको भी भूल जाओ, इसको भी भूल जाओ, ठीक है. और एसेंशियली KE को हम टोटल एनर्जी E है उसके बराबर मान लेते हैं रफली, ठीक है, रफली काम चल रहा है.
तो उसके हिसाब से हो जाएगा ई स्क्वायर बाय सी स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर, यानी कि पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर। कोई बड़ा चेंज नहीं है, छोटा चेंज है। ये रिलेशन एक बार एस्टेब्लिश कर ले, उसके बाद काम हो गया। ठीक है, तो आंसर बता दोगे फिर। ए इंटू पाई ई स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, है ना, बस और कोई फर्क नहीं है। ये आ गया आपका ओमेगा। ठीक है, सो एनर्जी से जो प्रोपोर्शनैलिटी है वो डिफरेंट आ रही है, यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, ओके। अब यही काम करो आप नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल के लिए 3D में। तो अब ये 2D नहीं है, 3D कंटेनर है ऑफ और पार्टिकल ऑफ मास एम। हाँ, जी भी निकाल लो इससे, जी निकालोगे प्रोपोर्शनल टू ई आ जाएगा आपका। ठीक है, तो प्रोपोर्शनैलिटी जो है वो अलग अलग दिख रही है। रिलेटिविस्टिक और नॉन रिलेटिविस्टिक में अलग अलग पावर था, ई के प्रोपोर्शनल जो पावर था वो अलग अलग था। ठीक है, अब नेक्स्ट यही काम करो 3D में। तो 3D केस, एरिया इन फेस स्पेस, स्मॉलेस्ट एरिया इन फेस स्पेस। ठीक है, नॉन रिलेटिविस्टिक केस है, यहां पे क्या लिखूं? और दो जुड़ जाएगा। ठीक है, दो इंटीग्रल और आ जाएगा, और यहां पे 2 का 3 हो जाएगा। एक्स वाई जेड वाला पार्ट सिंपल वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, उधर सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। और डी पी एक्स, डी पी वाई, डी पी जेड, ये क्या होगा? हाँ, तो पहले मेन काम यही करना है भाई, हम लिख लेते हैं 2ME = पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर प्लस पी जेड स्क्वायर। ये वाला पार्ट एक्स्ट्रा आ जाएगा, ये वाला पार्ट एक्स्ट्रा आ गया। स्फीयर टाइप का दिख रहा है, स्फीयर ऑफ रेडियस इतना, रूट ऑफ एस। ठीक है, तो यहाँ पे आप स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 πr³ होता है। r के लिए क्या बोल रहे हो आप? तो √2ME होता है और उसका क्यूब, तो ये आ गया आपके पास अपॉन h³। ये आ गया डेंसिटी ऑफ स्टेट 0 से। एरिया वॉल्यूम जो भी हो, फेस स्पेस में उसका कोई मतलब ही नहीं है। फेस स्पेस में अलग ही चीज है, वो एरिया बोल लो, वॉल्यूम बोल लो, जो भी बोल लो। ये 3D के लिए था, सिंगल पार्टिकल इन 3D बॉक्स।
डिवाइडेड बाय एच क्यूब, क्योंकि यहाँ एच क्यूब है। हाँ एच क्यूब है, हाँ प्लैंक्स कांस्टेंट वाला एच है ये। ठीक है, ओरल कर सकते हो ये काम, ओरल कर सकते हो ये काम, इतना इजी है सारा कुछ। ठीक है, कोई बड़ी बात इसमें नहीं है। ओके, सो ये सारे काम हम लोगों ने कर लिए। ठीक है, अब स्फीयर की बात करते हैं। स्फीयर कितने डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है? 3D ऑब्जेक्ट है। ठीक है, 2D में स्फीयर कैसा दिखता है? सर्कल दिखता है। ठीक है, तब 2D स्फीयर बोल सकते हैं उसको, सर्कल को। ठीक है, तो वैसे ही हम लोग डायमेंशंस बढ़ा देते हैं। इमेजिन करो 4D में, 4D में भी 4D स्फीयर, 5D स्फीयर मत इमेजिन करो, नहीं कर सकते। ठीक है, बोल दिया फिर मना कर दिया। एनीवेज, तो मैथमेटिकली उसके बारे में कुछ आइडिया लगा सकते हैं, बट अदरवाइज इमेजिन नहीं कर सकते ऐसी चीज़ को। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला बता दिया गया है कि अगर n डायमेंशंस में कोई स्फीयर है तो उसका जो वॉल्यूम होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, गामा फंक्शन आपको पता है कैसे ऑपरेट करता है? ठीक है, सो आपको ये बात पता है कि गामा हाफ जो है वो होता है रूट ऑफ पाई, और आपको पता है कि गामा ऑफ 1 + n/2, इसको आप लिख सकते हैं n/2 टाइम्स गामा ऑफ n/2। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको ये सब रिलेशंस पता है, इसको यूज़ करना आप जानते हैं। तो गामा के बारे में आपको पता है, ये सब चीज़ें पता है। अगर n डायमेंशनल स्पेस में आपसे इसी सिस्टम को सॉल्व करवाया जाएगा तो आप कर सकते हैं, उसके लिए आपको ये वॉल्यूम्स की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, बट हम लोग n डायमेंशंस में नहीं सॉल्व करेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे एक पार्टिकल है। ठीक है, वो 3n डायमेंशंस में, n डायमेंशंस में नहीं है, 3n डायमेंशंस में है। ठीक है, 3n डायमेंशंस में है, सिंगल पार्टिकल ऑफ मास m। ठीक है, उसके लिए ये सारा प्रोसेसिंग करो, और ये भी गिवन है स्पेशल वॉल्यूम जो है उसमें वो v3n इस टाइप का है, v3n। ठीक है, तो स्पेशल वॉल्यूम आपको दे दिया गया है, फेस स्पेस में एरिया निकालोगे, यही सब करोगे, और एस की वैल्यू आप फाइंड आउट करो। सॉल्व करो, बहुत सिंपल है क्वेश्चन। तो यहाँ पे थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, यहाँ पे पोजीशन कोऑर्डिनेट्स कितने हैं? 3n पोजीशन कोऑर्डिनेट्स है, और उन सब के करस्पॉन्डिंग एक एक मोमेंटम कोऑर्डिनेट भी है। तो 3n पोजीशन कोऑर्डिनेट्स, 3n मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, और वही सिचुएशन है सिंगल पार्टिकल वाला सिचुएशन। तो पोजीशन और मोमेंटम क्या आपस में रिलेटेड है? n इक्वल्स टू 3 के लिए, हाँ n इक्वल्स टू 3 तो मैंने नहीं बोला, n इक्वल्स टू मतलब 3n है, n इक्वल्स टू 3n बोल सकते हैं। ठीक है,
तो स्पेशल केस में मोमेंटम और पोजीशन अलग अलग है, इंडिपेंडेंट है, ये बात अगर आपको पता है। स्पेशल अलग करो, मोमेंटम अलग करो। स्पेशल वाला पार्ट में आपको ऑलरेडी कहा गया है कि जो थ्री एन डायमेंशनल स्पेस में वॉल्यूम है वो वी थ्री एन टाइप का आपको दिया गया है। तो एसेंशियली आप कहोगे डी एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री डी थ्री एन, ये सबका इंटीग्रल मिला के वॉल्यूम हो जाएगा उस स्पेस में, उसको हम वी थ्री एन से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, ये हिस्सा क्या होगा, तो ये क्या चीज़ है। हाँ हाँ गोपाल बोल रहे हैं कि इसी चीज़ में n के जगह आप 3n लिख दो और r के जगह 2me का रूट लिख दो, बस वही करना है। कैसे किया ये, तो जो हम करते आ रहे हैं वही करेंगे। 2D में हमने कहा px py दो टर्म होंगे, 3D में हमने कहा px py pz तीन टर्म होंगे, 3n डायमेंशंस में 3n टर्म्स होंगे। ठीक है, इधर वही रहेगा, r के जगह वही आएगा। ठीक है, सारा कुछ वही है। तो सारा कुछ वही लिखते हुए हम कहेंगे इसका पाई रेस टू 3n बाय 2। हाँ उसका बताते हैं भाई, 3n क्यों ले रहे हो, n करते। ठीक है, तो उसका मतलब बताते हैं फिलहाल। 2me टू द पावर 3n बाय 2 कहाँ से आ गया, अच्छा 3 हुआ, सॉरी ये 3n बाय 2। हाँ ठीक है, क्योंकि r रूट 2me है ना कि 2me है। ठीक है, तो उसका बाय 2 और आ गया, और उसके बाद फिर h टू द पावर 3n और ये गामा, गामा ऑफ 1 प्लस 3n बाय 2। ठीक, तो इस तरीके से आ गया आपका 0 से ई एनर्जी के लिए टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स अकॉर्डिंगली डेंसिटी ऑफ स्टेट्स आप निकाल सकते हैं। ठीक है, ये किस पार्टिकल के लिए है, एक ऐसा पार्टिकल जो 3n डायमेंशनल स्पेस में किसी एनर्जी ई 0 से ई तक का डेंसिटी ऑफ स्टेट्स हमने निकाला है। इससे क्रॉस चेक कर सकते हो 1D 2D 3D का, 2D का हो जाएगा क्या, मेरे को पता नहीं, 3D का तो हो जाएगा, वो खैर छोड़ो उसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिलहाल मैंने जो सॉल्व करवाया आपको 3N डायमेंशनल्स डायमेंशंस के लिए करवाया है, 3N डायमेंशंस। ठीक है, नहीं बनाएंगे 1D, नहीं बना रहे हम लोग। ठीक है, वो सब तो काम कर चुके हैं, 1D का हमको पता है, हमको पता है 2D का, हमको पता है 2D रिलेटिविस्टिक का, हमको पता है 3D का, ये है 3N डायमेंशंस। तो n की वैल्यू पुट करके वो रिजल्ट्स तो हम लोग को ऑलरेडी पता है, वो उसकी उस जगह में जाने की ज़रूरत नहीं। अच्छा, 3N डायमेंशंस, ठीक है, कैसे सॉल्व किया आपने, तो आपने कहा, आपने क्या कहा कि भाई इसको सॉल्व करने के लिए, ये सब तो चलो इधर उधर की बातें हैं, मेन जो रिलेशन चाहिए था हम लोग को, एनर्जी का रिलेशन चाहिए था। हमने कहा 2me इक्वल्स टू p1 स्क्वायर प्लस p2 स्क्वायर प्लस डैश डैश p3n स्क्वायर, इस तरह की बात हम लोगों ने की। ठीक है, अब मैं कहता हूँ एक कंटेनर है, ठीक है, ऑफ आर्बिट्ररी वॉल्यूम v, ठीक है, और उसमें 3D कंटेनर है ऑब्वियसली, और उसमें n पार्टिकल्स है ऑफ मास स्मॉल m, n पार्टिकल्स है ऑफ मास स्मॉल m। ठीक है, उसका ये रिलेशन कैसे लिखोगे, एनर्जी का रिलेशन कैसे लिखोगे उसके लिए, टोटल एनर्जी का, हर एक पार्टिकल के लिए नहीं, टोटल सिस्टम का, सिस्टम की अगर टोटल एनर्जी E है, ठीक है, और सबका मास m है, तो 2m को चलो फिलहाल यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं। आप कहोगे पहले पार्टिकल के लिए p1x स्क्वायर प्लस p2x स्क्वायर प्लस p3x स्क्वायर, ठीक, सॉरी p1x स्क्वायर प्लस p1y स्क्वायर प्लस p1z स्क्वायर, ये पहले पार्टिकल के लिए हो गया। ऐसे ही आप लिखोगे दूसरे पार्टिकल के लिए p2x स्क्वायर प्लस p2y स्क्वायर प्लस p2z स्क्वायर,
प्लस डैश 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 डैश, कितने टर्म आएंगे? लास्ट टर्म आएगा आपका पी एन एक्स स्क्वायर प्लस पी एन वाई स्क्वायर प्लस पी एन जेड स्क्वायर, ठीक है। इसमें कितने टर्म्स है टोटल? इसमें थ्री एन टर्म्स है। इसमें कितने टर्म्स है टोटल? इसमें भी थ्री एन टर्म्स है, ठीक है। इसमें थ्री एन टर्म्स थे तो हमने क्या कहा, उससे क्या फायदा हुआ हमको? तो यहां पे जो p वाले जितने इंटीग्रल थे हमने उसको मिला के इसके बराबर कह दिया, ठीक है। यहां पे भी वही चीज है, एग्जैक्टली वही चीज है, सब्सक्रिप्ट बदल गया है बट है वही चीज, ठीक है। तो अगर आप इसका जो सॉल्यूशन है वो इसके लिए भी एप्लीकेबल है। तो ये जो सॉल्यूशन आपने निकाल रखा है एसेंशियली ये आइडियल गैस विथ n पार्टिकल्स एप्लीकेबल है, ठीक है। नहीं समझ आया? ठीक, आपने कहा भाई किसी n डायमेंशन सिस्टम के लिए सॉल्व करना मेरे को आता है, मैं सॉल्व करता हूँ। कैसे सॉल्व करता हूँ? उसका वॉल्यूम मैथ्स वालों ने मेरे को बता दिया ऐसा होता है, वो लोग एब्स्ट्रैक्ट काम खूब करते हैं, ठीक है। वो लोगों ने बता दिया और फिर हम लोगों ने उस रिजल्ट का यूज़ करके हमने पता लगाया कि भाई अगर थ्री n डायमेंशंस में कोई पार्टिकल फंसा हुआ है विथ एनर्जी ई जीरो टू ई रेंज में तो उसका माइक्रोस्टेट्स का रिलेशन कुछ ऐसा आता है, ठीक है। हमने पता लगाया, वो पता कैसे लगाया, उसके लिए प्रोसेस क्या था? तो उसके लिए प्रोसेस ये था, ये चीज़ ज़रूरी थी हमारे लिए, बिना इसके वो काम नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ लिखा, इसकी मदद से बोला कि n डायमेंशन कोई स्फीयर बन रहा है सारे मोमेंटम्स का, और उस n डायमेंशन स्फीयर का जो वॉल्यूम है वो हमको यहाँ पे लिखना है, इंटीग्रल ऑफ p1 p2 p3 pn, ठीक है। उसका वॉल्यूम कितना होता है तो r वगैरह सब रख के हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब कहा अगर आइडियल गैस हो जिसमें हर पार्टिकल 3D में चल रहा हो और ऐसे n पार्टिकल्स हो तो उनके लिए अगर मेरे को यही काम करना है तो मैं बोलूँगा वही काम, वही चीज़ें बोलूँगा, एरिया इन फेस स्पेस। एरिया इन फेस स्पेस क्या होता है? तो फर्स्ट पार्टिकल का x, फर्स्ट पार्टिकल का y, फर्स्ट पार्टिकल का z, ठीक है, d। सिमिलरली फर्स्ट सेकेंड पार्टिकल का, थर्ड पार्टिकल का, एंड सो ऑन। वॉल्यूम के बारे में आप बोलोगे हर एक पार्टिकल v वॉल्यूम में है तो ऐसे कितने पार्टिकल्स हैं? सब क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ये जो चीज़ है ये हो जाएगी v रेस टू n, और कोई अंतर वॉल्यूम में नहीं है, ठीक है। मोमेंटम साइड में आप बोलोगे, आप कह रहे हो कि ये क्या चीज़ बन रही है? अब ये मोमेंटम्स आपस में इंडिपेंडेंट नहीं है, पोजिशन सारे सब पार्टिकल के आपस में इंडिपेंडेंट थे, मोमेंटम इंडिपेंडेंट नहीं, आपस में शेयर वगैरह हो रहे हैं, ठीक है। तो आप ये नहीं कह सकते कि इंटीग्रल डी पी वन एक्स डी पी वन वाई डी पी वन जेड फिर ट्रिपल इंटीग्रल डी पी टू जेड, ऐसा नहीं लिख सकते आप, ये अलग नहीं कर सकते थे, ठीक है। बट उसकी ज़रूरत ही नहीं है, आपने इससे कंपेयर किया, बोला भाई ये और ये दोनों सेम चीज़ है। यहाँ पे क्या था उस केस में? डी पी वन डी पी टू डी पी थ्री एन, ठीक है। अब क्या हो गया? डी पी वन एक्स डी पी वन वाई डी पी वन जेड इस तरह से, और टोटल थ्री एन टर्म्स। एसेंशियली सारी चीज़ें इसके जैसी ही है, तो आपने कहा ये जो रिजल्ट है वो इसके लिए भी एप्लीकेबल है, आइडियल गैस इन थ्री डायमेंशंस, ठीक है। नहीं समझ में आया, छोड़ो वीडियो देख लेना, ठीक है। कुछ है नहीं इसमें कॉम्प्लिकेटेड, कुछ नहीं है, कुछ डाउट है? हाँ बोलो। हाँ हाँ फ्रैक्शन में रख सकते हैं मेरे ख्याल से, रख सकते हैं कि नहीं। वो n 2/3 इस टाइप का हो जाएगा वॉल्यूम, तो फॉर्मूला एप्लीकेबल है नहीं है मेरे को पता नहीं, देख लेना एक बार ट्राई कर देना, खैर वो अलग चीज़ है वो आप देख लेना। बट मेन चीज़ है, हाँ इसमें कोई डाउट है? अभी डाउट है? हाँ, जो थ्री एन डायमेंशंस में है, ठीक है, और दोनों का रिलेशन सेम आने वाला है, ठीक है। अब यहां से स्टार्ट क्यों नहीं किए हम लोग, ठीक है, क्योंकि इससे पहले जितने प्रॉब्लम सॉल्व किए, कितने पार्टिकल्स के प्रॉब्लम सॉल्व किए? सिंगल पार्टिकल का प्रॉब्लम सॉल्व किए, ठीक है। अब आप अगर एन अलग अलग पार्टिकल्स की बात करते, ठीक है, तो फिर
तब भी आपका ये इक्वेशन तो बन जाता। ये गलती आपसे हो सकती थी, आप कहते कि ये सारे पार्टिकल्स एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं कर रहे, तो पी वन एक्स स्क्वायर प्लस पी वन वाई स्क्वायर प्लस पी वन जेड स्क्वायर, ये रूट टू एम ई वन, वो रूट टू एम ई टू इस टाइप का, और फिर वो उसके हिसाब से अलग अलग ई वन ई टू के टर्म्स में आ जाता। वो सब हमने हटाया, हमने बोला सारे इंटरेक्टिंग एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं। इंडिविजुअल पार्टिकल्स की क्या एनर्जी है उसके बारे में कोई कमेंट नहीं कर रहे। इंडिविजुअल पार्टिकल्स की एनर्जी कांस्टेंट रहेगी थ्रू आउट, ऐसा भी रेस्ट्रिक्शन नहीं डाल रहे। टोटल सिस्टम की एनर्जी के बारे में रेस्ट्रिक्शन है कि उसकी एनर्जी ई है, और अगर उसकी एनर्जी ई है तो ये दोनों चीज़ें सिमिलर दिखाई दे रहे, तो जो रिजल्ट आएगा वो भी सिमिलर आएगा। सिमिलर मतलब सेम आएगा, ये वॉल्यूम जो है आपका बस वो रियल स्पेस में चला जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास आइडियल गैस के लिए स्टेट्स है, नंबर ऑफ स्टेट्स फ्रॉम जीरो टू ई, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स निकाल सकते हैं इससे सिंपली। H हाँ, हाँ वी थ्री एन जो था थ्री डायमेंशनल स्पेस में स्पेशियल वॉल्यूम था। यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने कहा कि एसेंशियली ये जो हिस्सा था x वाला हिस्सा, ये कैसा हिस्सा था, डी वन एक्स डी टू एक्स डी सॉरी डी वन एक्स डी वन वाई डी वन जेड, उस वो अपने आप में इंडिपेंडेंट है दूसरे के डी एक्स से, इसका वॉल्यूम है उसका वॉल्यूम है, दोनों के पोजीशन आपस में इंडिपेंडेंट है तो अलग अलग कर सकते हैं। इसका वॉल्यूम कितना, कितने वॉल्यूम में एक पहला पार्टिकल घूम रहा है, वी वॉल्यूम में पूरा एक पार्टिकल है, इसको कितना वॉल्यूम अवेलेबल है घूमने के लिए दूसरे पार्टिकल को। ठीक है, तो v इंटू वी इंटू वी इंटू वी इंटू वी एन टाइम्स हो रहा है v रेस टू n। हार्मोनिक ऑसिलेटर मास m स्प्रिंग कांस्टेंट के, अब आपको डेंसिटी ऑफ स्टेट्स और ये सारी प्रोसेसिंग करनी है इस केस में, हार्मोनिक ऑसिलेटर केस में। वन डायमेंशनल सिस्टम है सारा कुछ, ठीक है। हाँ, इसको सॉल्व करूँ, हार्मोनिक ऑसिलेटर केस वन डायमेंशन में मास m स्प्रिंग कांस्टेंट k, ठीक है, ऑसिलेट कर रहा है, तो इसका डेंसिटी ऑफ स्टेट्स निकालो। यहाँ पे क्या लिखूँ, इंटीग्रल वगैरह फॉर्म में जो भी लिखता हूँ,
कितना डायमेंशंस है? नहीं, पहले खाली वो डी पी एक्स वगैरह वो सब लिख रहा हूँ मैं, तो क्या लिखूँ यहाँ पे? कितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है इसमें, या फिर इसका कोऑर्डिनेट जो है एक्स और पी एक्स, ये दो कोऑर्डिनेट काफ़ी है इसको डिस्क्राइब करने के लिए। तो मैं कहूँगा इंटीग्रल डी एक्स डी पी एक्स, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, ठीक है, अपॉन स्मॉलेस्ट एरिया सिंगल डायमेंशन एच रेस टू वन। एक्स और पी एक्स इंडिपेंडेंट नहीं है इस केस में, तो क्या किया जाए? दोनों के बीच का हाँ उसकी ज़रूरत पड़ेगी। पहले तो भाई पी एक्स और एक्स के बीच कोई रिलेशन है वो कितना है, कैसा है बताओ, कोई रिलेशन पता है हमको इस केस में पी एक्स और एक्स के बीच में? तो एनर्जी का, टोटल एनर्जी का रिलेशन पता है आपको, एनर्जी इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाय टू एम प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है, अब निकालो उसको। हाँ एक्सेलेंट, तो वो अप्रोच अपने को पकड़ना है, ठीक है। एक तो आप इंटीग्रेशन कर सकते हो, सीधे सीधे इंटीग्रेशन करोगे तो वही कॉम्प्लिकेटेड काम करना पड़ेगा, और दूसरा आप कह सकते हो कि एसेंशियली क्या हो रहा है, वन इक्वल्स टू पी एक्स स्क्वायर बाय टू एम ई, मतलब इसके रूट का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाय टू ई बाय के रूट का स्क्वायर इक्वल्स टू वन। एलिप्स का इक्वेशन है, ठीक है। एलिप्स का एरिया पता है क्या? एलिप्स का एरिया नहीं पता तो फिर पाई ए बी के बराबर होता है, यहाँ पे ए और बी आपको दिख रहा है, ठीक है, कितने खुश हो जाते हो, वाह इंटीग्रेशन नहीं करना पड़ा, ठीक है। तो उससे फिर सीधे सीधे इंटीग्रल डी एक्स डी पी एक्स के लिए आप बोलोगे एसेंशियली क्या हो रहा है कि पी एक्स और एक्स वाले जो स्पेस है इसमें एक एलिप्स बन रहा है, एलिप्स बन रहा है, बन गया इस बार जैसे तैसे, ठीक है। एक्स डायरेक्शन में आप बोलोगे इधर क्या चीज़ है, ये जो पूरी लेंथ है, अच्छा सॉरी, ये जो लेंथ है ये है आपके पास टू ई बाय के का रूट, तो रूट टू ई बाय के, इसको हम कहते हैं मेजर एक्सिस ए या माइनर एक्सिस, वो फर्क नहीं पड़ता। दूसरा यहाँ पे कटेगा रूट टू एम ई, यही चीज़ हो जाती है एलिप्स के लिए बी माइनर एक्सिस, मतलब दोनों में से कौन सा मेजर एक्सिस है कौन सा माइनर एक्सिस है? पी एक्स वाला माइनर है, एक्स वाला मेजर है, कैसे? वो तो मैंने बना दिया है, मेरी ड्राइंग से तो एलिप्स भी नहीं बनता, ऐसा वैसा तो दूर की बात है। के का वैल्यू कैसा है, एम का वैल्यू कैसा है, उस पर डिपेंड करेगा, प्लस डिपेंड करेगा यूनिट्स क्या है, आपने इधर लगा रखा है मोमेंटम, इधर लगा रखा है पोजीशन, उसमें क्या आप किसी चीज़ को एलिप्स बोलोगे, क्या बोलोगे, कौन सा मेजर लेंथ कौन सा माइनर लेंथ, दोनों की यूनिटी अलग है, तो वो डेफिनेशन ही कोलैप्स हो जाता है। मतलब पता है हमको कि ये जो भी चीज़ इसको बोले, एलिप्स ही बोल रहे हैं वैसे, उसका एरिया जो होगा वो पाई इंटू दिस होगा, जिसको मेजर बोलना है बोलो, जिसको माइनर बोलना है बोलो, हमको फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो पाई इंटू लिख देते सीधे सीधे रूट टू एम ई इंटू रूट टू ई बाय के, हाँ अंडर रूट के बाय एम टाइप का भी कुछ आ रहा है, ठीक है। तो आप कहोगे इसको
पाए इंटू 2 पाए इधर आ गया बाय एच इंटू रूट एम बाय के इंटू ई। तो रूट के बाय एम आपका ओमेगा हो जाता है, एच बाय टू हो जाता है आपका एच कट। तो बाय में एच कट ओमेगा, ई बाय एच कट ओमेगा, ये आपका डेंसिटी ऑफ स्टेट्स यहाँ पे आ गया, ई बाय एच कट ओमेगा। एच कट ओमेगा का सिग्निफिकेंस आपको नहीं पता, आप लोग बहुत बार देखोगे आने वाले टाइम में अपने सब्जेक्ट्स में, इस सब्जेक्ट में नहीं बट इस सब्जेक्ट में भी देखोगे, खैर क्वांटम मैकेनिक्स में आपको देखने को मिलेगा एच कट ओमेगा। एच कट नीचे, ओमेगा भी नीचे, के बाय एम ओमेगा होता है। सोने दो, आराम से सोने दो उसको। क्या बोल रहे हो? अच्छा, मेरा वीडियो देखते देखते सो गया है। मेरे क्लास में मेरा यूट्यूब वीडियो देख रहा है और सो गया। वाह, तो बिल्कुल एक्सक्लूसिव काम चल रहा है। हाँ, फेज लैग चल रहा है, टाइम लैग चल रहा है एसेंशियली। हाँ ठीक है, सो ये आ गया आपके पास रिजल्ट। अगर आपके पास मोमेंटम और पोजीशन मिक्स भी होता है तो उसके भी तरीके होते हैं सॉल्व करने के, ऐसा नहीं कि पोजीशन इंडिपेंडेंट ही होना चाहिए मोमेंटम से। ठीक है, तो एक केस हमने ले लिया है, इसके जितने वैरायटी है ऑलमोस्ट सारे कवर कर लिए हम लोगों ने। ठीक है, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स, तो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स सॉल्व कर लिया है। जिस किसी दिन मेरा मूड होगा मैं टेस्ट ले लूँगा, ठीक है, एक घंटे बाद टेस्ट है ऐसा बोल के, तो तैयार रखो। ठीक है, कभी भी मेरा मूड, ठीक है, मंडे मान लो तुम, तो मान के चलो मंडे को होने वाला है, आज नहीं होगा। ठीक है, हाँ वो हो सकता है, तो उसके लिए रेडी रहो आप। नेक्स्ट क्लास मतलब आज नहीं लूँगा, आज ही हुआ है तो, और कल बुलाने का मेरा कोई मूड नहीं है। ठीक है, मैं भी संडे मनाता हूँ। ओके, सो ठीक है, सो ये काफ़ी बातें हुई। अच्छा, यहाँ पे जो सिस्टम्स है, यहाँ पे सिस्टम में हम बोल रहे हैं जीरो से ई कुछ भी एनर्जी पॉसिबल है, इस तरह के सिस्टम्स हम ले रहे हैं, क्लासिकल सिस्टम्स। ठीक है, हाइड्रोजन एटम की जब हम बात करते हैं, हाइड्रोजन एटम में क्या सिस्टम रहता है, तो एक स्टेट होता है लोएस्ट स्टेट एन इक्वल्स टू वन, फिर एन इक्वल्स टू टू, फिर एन इक्वल्स टू थ्री, आप लोगों ने पढ़ रखा है हाइड्रोजन एटम में पहले शेल n इक्वल्स टू वन पे कितनी एनर्जी होती है, ठीक है, n इक्वल्स टू टू पे माइनस 3.4 ईवी, इसके ऊपर 7 समथिंग होता है ईवी, अच्छा 1.5 होता है, 1.5 होता होगा, ओके 1.5 समथिंग ईवी होता है। ठीक है, तो इसको E1, E2, E3 माइनस में, ठीक है, ये इस तरह से एनर्जी लेवल्स होते हैं। ठीक है, इस स्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इस स्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ठीक है, इस स्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 18 आ सकते हैं। ठीक है, 2n2, ऐसा कुछ आप लोग नाइन्थ में रटते हुए आते हो, ठीक है, उसका रीज़न वगैरह आप लोग को कुछ नहीं पता, अभी तक नहीं पता, आगे क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ोगे। ठीक है, ओके, तो अब ये जो सिस्टम्स है और ये जो सिस्टम्स है इसमें कुछ फ़र्क है। ठीक है, यहाँ पे आपको एनर्जी की कुछ फिक्स्ड वैल्यूज़ ही मिल रही है, जबकि वहाँ पे कंटिन्यूस वैल्यूज़ मिल रही थी। ठीक है, यहाँ पे कुछ फिक्स्ड वैल्यूज़ ही मिल रही है, जबकि उधर जो है कंटिन्यूस वैल्यूज़ मिल रही थी, तो ये कुछ अलग है। एसेंशियली मैं कहूँगा ये जो सिस्टम्स है ये
डिस्क्रीट एनर्जी सिस्टम्स हैं, जबकि वो जो सिस्टम्स थे उसमें कंटिन्यूस एनर्जी मान के चल रहे थे। ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स आप लोग पढ़े नहीं हो, क्वांटम मैकेनिक्स आप लोग को पढ़ोगे तो पता चलेगा कि सारे सिस्टम्स जो होते हैं डिस्क्रीट ही होते हैं, कोई कंटिन्यूस टाइप का फंडा होता नहीं है। अब वो डिस्क्रीट सिस्टम्स जो होते हैं एकदम पास पास आ जाते हैं और हम हायर बहुत सारे स्टेट से डील करते हैं उसको कंटिन्यूस बोल देते हैं। एनीवेज, ठीक है, तो जब हम डिस्क्रीट सिस्टम्स की बात नहीं कर रहे थे, कंटिन्यूस की बात कर रहे थे, तो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स और नंबर ऑफ स्टेट्स कुछ इस तरीके से डिस्क्राइब कर रहे थे। ठीक है, वहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी, वहाँ पे आप एक पर्टिकुलर एनर्जी का रिस्पॉन्डिंग कितने स्टेट्स होंगे ये बात आप नहीं कर पाते थे। ठीक है, यहाँ पे वो चीज़ कर सकते हो आप, बात यहाँ पे बोल सकते हो एनर्जी इक्वल्स टू -13.6, इसके लिए कितने पॉसिबल स्टेट्स हैं। अच्छा, इसको भी डिस्क्राइब करने के लिए आपको बताना पड़ेगा कुछ चीज़ें, क्वांटम मैकेनिक्स में स्पॉइल करने वाला टाइप का लगता है मेरे को, वो मैं करना नहीं चाहता। दरवाज़ा बंद कर दो, बाहर मारपीट हो रही है, लाइट चालू कर दो, ये वाला कर दो, ये वाला ठीक है। हाइड्रोजन एटम की जब आप लोगों ने बात की होगी, आप लोगों ने पढ़ा होगा SPDF इस टाइप के शेल होते हैं। S शेल कैसा होता है, तो X होता है, इधर होता है Y, इधर होता है Z, और वो स्फेरिकल शेप का होता है, ऐसा कुछ आप लोगों ने पढ़ रखा है। ठीक है, PX, PY, PZ के लिए आपने पढ़ा है कि तो वो डंबल शेप्ड का होता है एसेंशियली, वो कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, तो कुछ प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं, तो अगर S ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे जैसे ये S ऑर्बिटल्स है, ठीक है, ये PX, PY, PZ ऑर्बिटल है, ठीक है, तो S ऑर्बिटल की बात करते हैं, तो आप कहते हैं कि भाई जो एटम है उसके चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी है वो सेम है, ऐसा नहीं है कि X साइड ज़्यादा मिलेगा, Z साइड कम मिलेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, बट जो बाकी PX, PY, PZ की बात होती है उसमें दिखता है कुछ ऐसे डंबल शेप्ड है, मतलब ओरिजिन के पास में, न्यूक्लियस के आसपास इस रीजन में Z और Y साइड में मिलने की प्रोबेबिलिटी तो है ही नहीं, मिलेगा ही नहीं, जबकि X इस साइड मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो पोजीशन और मोमेंटम की बात करें, कितने पॉसिबिलिटीज़ हैं, जो पिछले बार बात कर रहे थे हम लोग क्लासिकल सिस्टम्स में, जैसे हम लोगों ने क्या कहा था क्लासिकल सिस्टम में, यहाँ से ब्लॉक निकला, टकराया, वापस गया, उधर टकराया, तो इस पूरे प्रोसेस में कितने पॉसिबल पोजीशंस हैं ब्लॉक के, तो इनफाइनाइट पॉसिबल पोजीशंस आए थे। ठीक है, और जैसे ही 2D किया तो मोमेंटम की भी पॉसिबिलिटीज इनफाइनाइट हो गई, फिर हम लोगों ने कुछ जुगाड़ किया, क्वांटम मैकेनिक्स से एक रिलेशन लिया, बोला इनफाइनाइट को थोड़ा सेटल करते हैं, बाय एच लगा के उसको फाइनाइट बना दिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या सिस्टम है, यहाँ पे भी वैसा ही कुछ है क्या, पोजीशन और मोमेंटम की जब बात करेंगे तो इनफाइनाइट है क्या, पोजीशन की बात करें कहाँ कहाँ पोजीशन अवेलेबल है, आप चेक करोगे यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। अच्छा चलो, ये पॉल्यूशन वाली बातें मैं नहीं करूँगा, ये सारी बातें आप लोग क्वांटम मैकेनिक्स में करना। ठीक है, फिलहाल मैं ये बात करता हूँ कि जब डिस्क्रीट सिस्टम्स की बात होती है, ठीक है, तो आप पोजीशन और मोमेंटम के कॉम्बिनेशन, इसको एक माइक्रोस्टेट डिफाइन करें, ऐसा नहीं करते। ऐसा क्यों नहीं करते, क्योंकि जो सिस्टम है वो या तो आपको इस हालत में मिलेगा, या वो आपको इस हालत में मिलेगा, या इस हालत में मिलेगा, या इस हालत में मिलेगा। ठीक है, और वो अकेला सिचुएशन काफ़ी होता है डिफाइन करने के लिए। इन सिंपल टर्म्स एक पर्टिकुलर एनर्जी की बात करें तो उसके लिए जो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स है, n इक्वल्स टू 1 के लिए कितना बोलेंगे आप, सीधे 2, दो ही पॉसिबिलिटीज है, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ सकते हैं, n इक्वल्स टू 2 के लिए 8 एंड सो ऑन। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा ओमेगा ई इक्वल्स टू -10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, ये कितना होगा इस सिस्टम में, नहीं होगा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, आप बोलोगे ई इक्वल्स टू -13.6
इसके लिए जो है ये है 2 e equals to minus 3.4 के लिए है 8 and so on, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स आप डायरेक्टली डिफाइन कर पाते हो जो क्लासिकल सिस्टम में नहीं कर पाते हो, और इसी चीज़ को कहा जाता है डीजेनरेसी कि एक एनर्जी पे कितने पॉसिबिलिटीज़ आपको अवेलेबल हैं डिस्क्रीट सिस्टम्स में, ठीक है। सो डीजेनरेसी की बात करेंगे तो एसेंशियली मेन मुद्दा ये है कि क्लासिकल सिस्टम में अगर आप एक एनर्जी की बात करना चाहो तो आप कहते हो कि डी ओमेगा एट दैट एनर्जी इक्वल्स टू जी ई डी ई, कुछ इस तरह की बात करते हो आप डी ई, और ये जो चीज़ होती है ये इनफाइनेटली स्मॉल टाइप की चीज़ होती है। क्वांटम मैकेनिक्स में या सॉरी डिस्क्रीट सिस्टम्स में यही चीज़ आपकी फाइनाइट होती है और आप इसको जी से ही रिप्रेजेंट करते हो एट सम एनर्जी ई आई, ठीक है। और इसको आप डेंसिटी ऑफ स्टेट्स नहीं कहते, इसको आप डी जेनरेसी कहते हो। टर्मिनोलॉजी बस बता दी गई है कि ऐसा आप लोगों ने देख रखा है, वहाँ पे ये जो चीज़ है वो इसके बराबर है उसको डी जेनरेसी कहा जाएगा, ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, जो कि डेंसिटी ऑफ स्टेट्स को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाता है, उससे यूनिट वाइज भी अलग है, देख रहे हो ये सिर्फ एक नंबर है, ये नंबर पर यूनिट एनर्जी टाइप की चीज़ है। एनीवेज ठीक है, सो ये चीज़ कहाँ पे काम आने वाली है, थोड़ा आगे काम आने वाली है आगे के डेरिवेशंस में, टाइम बताएंगे। हाँ चलो ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट क्लास में प्रोबेबिलिटी वगैरह आएगा थोड़ा सा, ठीक है, जो कि अभी तक नहीं आया है, अभी तक हम लोग डेंसिटी ऑफ स्टेट्स की बात कर रहे हैं। ओके।